हमारे वक्त के मशहूर साइंटिस्ट जिनकी साल 2020 में मृत्यु हुई, फ्रीमैन डाइसन ने 2006 में अपनी शानदार किताब साइंटिस्ट एज रिबेल में विज्ञान की दुनिया को ठीक ठीक समझाते हुए ये लिखा है कि साइंस दरअसल अलग अलग और कई बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए ह्यूमन आइडियाज है। लेकिन एक बात साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हर व्यक्ति में पाई जाती है और वो है विद्रोही स्वभाव, रिबेलियस नेचर। ये विद्रोह अक्सर समाज में मौजूद फूहड़ मान्यताओं के खिलाफ होता है जो किसी इंसान के ज्ञान पाने की रुकावट होते हैं। विज्ञान की एक और खूबी ये है कि ये सिर्फ किसी एक का नहीं होता, न वेस्ट का न ईस्ट का, बल्कि ये दुनिया के हर कोने के उस इंसान का होता है जो विज्ञान की सीढ़ियां चढ़कर ज्ञान पाना चाहता है। विज्ञान एक ऐसी दृष्टि, विजन है जो दरअसल आज़ाद ख्याल लोगों की विरासत है, और इसी विरासत को सहेजना और अगली पीढ़ी के लिए इसमें और ज़्यादा ज्ञान जोड़ना ही असल मायनों में विद्रोह है। विज्ञान का वरदान सिर्फ उन दिमागों को मिलता है जिनमें न सिर्फ खुद की बल्कि अपने से पहले की पीढ़ी द्वारा स्थापित हर ज्ञान की सीमा लांघने का साहस हो। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सिर्फ अपनी दिमागी ताकत से ऐसी सीमाओं को लांघा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन उसका दिमाग अभी थका नहीं था। 5 साइंटिफिक आर्टिकल्स पब्लिश कर आइंस्टाइन ने फिर से कमर कसी और एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उसके पहले के सारे वैज्ञानिक नियम टूट गए। आइए विज्ञान कथा शुरू करते हैं और इस अजूबों से भरी कहानी के गवाह बनते हैं। वैसे रिलेटिविटी के सिद्धांत की नींव रखने वाला आइंस्टाइन नहीं बल्कि गैलीलियो था। गैलीलियो की मोशन यानी गति में गहरी दिलचस्पी थी और यही मोशन ही रिलेटिविटी को समझने की कुंजी है। उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट से इसे इस तरह समझाया कि अगर आप शांत समंदर में चलते जहाज के निचले डेक पर चल रहे हैं तो आपको जमीन पर चलने और जहाज में चलने में फर्क महसूस नहीं होगा। अपने ग्लास टैंक में तैरती हुई गोल्ड फिश अगर किसी शिप में है तो उसे शिप की स्पीड के हिसाब से ग्लास में अपने तैरने की स्पीड नहीं एडजस्ट करनी होती। इसी थॉट एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने दुनिया को यह समझाया कि इसीलिए सूर्य के चक्कर लगाती हुई और खुद अपने एक्सिस पर घूमती हुई अर्थ का मोशन हमें पता नहीं चलता। यूनिफॉर्म मोशन, सतत गति का विचार पहली बार एरिस्टोटल ने रखा था, लेकिन गैलीलियो ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को सीधे तौर पर महसूस नहीं कर सकते। ये तभी संभव है जब हम वेलोसिटी की तुलना किसी और से कर रहे हों। गैलीलियो की यही बात रिलेटिविटी का आधार बनी। लेकिन इस यूनिफॉर्म मोशन को नापा कैसे जाए? आम तौर पर हम मोशन को किसी दूसरे स्टेशनरी यानी स्थिर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में नापते हैं। आइजैक न्यूटन के वक्त तक ये बात वैज्ञानिक जगत में स्थापित हो चुकी थी कि अर्थ और सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन न्यूटन को पता था कि सन भी मोशन में है, तो फिर स्टेशनरी क्या है? इसके लिए आइजैक न्यूटन ने एब्सोल्यूट स्पेस का आइडिया सामने रखा, जो कि एक स्टेशनरी स्थिर फ्रेम ऑफ रिफरेंस है जिससे किसी भी मोशन के प्रकार को नापा जा सके। न्यूटन के इस विचार से जेम्स क्लार्क मैक्सवेल भी सहमत था और यहीं से ईथर के विचार का जन्म हुआ, जो कि एक एब्सोल्यूट स्पेस है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन की एक शानदार खूबी थी कि वो अपने मन में
साइंस के सवालों पर थॉट एक्सपेरिमेंट्स किया करता। आइंस्टाइन का ब्रेन किसी साइंटिफिक सवाल पर अलग अलग विचारों को जोड़कर और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के दम पर जवाब तक पहुंचने में माहिर था। लेकिन आइंस्टाइन के ब्रेन की खूबी हमें दूर से समझ नहीं आएगी। चलिए कुछ अलग करते हैं, हम सीधा आइंस्टाइन के ब्रेन में चलते हैं और वहां से खड़े होकर इस अजूबे का गवाह बनते हैं कि कैसे सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस के दम पर आइंस्टाइन ने यूनिवर्स के कुछ फंडामेंटल जवाब खोज निकाले। अब हम आइंस्टाइन के ब्रेन में हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन से थोड़ा अलग है। आइंस्टाइन के ब्रेन में किसी दूसरे ब्रेन की तुलना में ग्लियल सेल्स ज्यादा हैं। ये ग्लियल सेल्स ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करते हैं, इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ बेहद ज्यादा न्यूरॉन्स जगमगा रहे हैं। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ सोच रहा है। उधर देखिए, आइंस्टाइन का थॉट एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। वो एक लाइट की बीम पर बैठकर यात्रा कर रहा है और इस लाइट की बीम को वो अपना स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। लाइट की स्पीड उसके लिए कम नहीं हो रही। लाइट हर देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है। ऐसे में आइंस्टाइन के लिए मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि लाइट की कांस्टेंट स्पीड में न तो न्यूटन का एब्सोल्यूट स्पेस का आइडिया काम कर रहा है और न स्टेशनरी ईथर का। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ईथर के इस पूरे आइडिया को रिजेक्ट कर एक ऐसे यूनिवर्स की समझ दुनिया को दी जहां ईथर है ही नहीं। हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर ट्रेन या कार या हमारी खुद की स्पीड मेजर करते हैं। आइंस्टाइन ने यह दिखा दिया कि यूनिवर्स में जहां सिर्फ रिलेटिव मोशन ही देखा जा सकता है, वहां रेफरेंस पॉइंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो सन हो या अर्थ या हम खुद। इसी के साथ आइंस्टाइन ने आइजैक न्यूटन के एब्सोल्यूट स्पेस के आइडिया को भी रिजेक्ट करते हुए कहा कि यूनिवर्स का कोई सेंटर है ही नहीं, यानी हर मोशन गति रिलेटिव सापेक्ष है। एब्सोल्यूट स्पेस के आइडिया के साथ आइजैक न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में टाइम के बारे में यह लिखा था कि हम सब टाइम और स्पेस को एक जैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम हर एक के लिए समान है। किसी दूसरे का एक घंटा मेरा भी एक घंटा है। आइंस्टाइन ने अपने दिमाग में न्यूटन के इस आइडिया को भी चैलेंज किया। उसे ये महसूस हुआ कि हमारी एक्टिव यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है और यूनिवर्स की हर चीज का मोशन किसी दूसरे चीज के रिलेटिव है। फर्क सिर्फ यही है कि इस रिलेटिव मोशन को नापने के लिए आप खुद ही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट चुन सकते हैं। रिलेटिविटी और कुछ नहीं, गतिमान मूविंग चीजों की आपस में तुलना कंपैरिजन है। और टाइम भी कांस्टेंट नहीं है। टाइम डिपेंड करता है आप कहां पर हैं और कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। हम अभी भी आइंस्टाइन के ब्रेन में हैं और चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन के ही थॉट एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। उधर देखिए, आइंस्टाइन सोच रहा है कि अगर दो लोग अपनी घड़ी को एक दूसरे से बराबर मिलाकर विपरीत दिशा में यात्रा करें और कुछ सालों के बाद वापस उसी जगह मिलें, तो दोनों की घड़ी जो टाइम दिखाएगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों किस स्पीड में ट्रेवल कर रहे थे। अगर पहला व्यक्ति स्पीड ऑफ लाइट के जितने करीब स्पीड से यात्रा करेगा, तो उसके लिए
टाइम तो नॉर्मल ही बीतेगा, लेकिन दूसरे के लिए उसका टाइम स्लो डाउन हो जाएगा। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने वाले इंसान के लिए मेरा टाइम अलग है। हमारे लिए ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम आम तौर पर एक दूसरे के कंपैरिजन में इतनी तेज यात्रा नहीं करते कि घड़ी की सुई अलग अलग टाइम बताने लगे। न्यूरॉन्स की चमक से भरे हुए आइंस्टाइन का ब्रेन ही ऐसा कॉन्सेप्ट सोचकर दुनिया के सामने रखने की हिम्मत कर सकता था। 1905 में आइंस्टाइन द्वारा रिलेटिविटी पर लिखे गए 31 पन्नों के पेपर का शुरुआती टाइटल अजीबोगरीब था, ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। आज इन पेपर्स को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, और आइंस्टाइन अपनी इस थ्योरी में टाइम और स्पेस के नेचर के बारे में नई सोच दुनिया के सामने रख रहा था। इन पेपर्स पर लगने वाली दिमागी मेहनत ने आइंस्टाइन को थका कर रख दिया, और 2 हफ्ते तक आइंस्टाइन ने घर पर आराम किया, जहां पर उसकी बीवी मिलेवा पेपर्स के मैथमेटिकल एरर्स को चेक करती। हम सब अपने सामने की दुनिया को 3 डायमेंशंस में जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आइंस्टाइन ने इसमें एक और डायमेंशन जोड़ा, टाइम का, जो कि स्पेस के साथ आपस में गुथा हुआ है। इन पेपर्स के पब्लिश होने के बाद आइंस्टाइन की उम्मीद के विपरीत वैज्ञानिक जगत ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन एक जाने माने वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने जब आइंस्टाइन के पेपर्स पढ़े तो उसे लाइट के क्वांटम यूनिट्स में होने पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन ये स्पेस टाइम का आइडिया उसे काफ़ी जंचा, और इसके लिए मैक्स प्लैंक ने आइंस्टाइन को चिट्ठी लिखकर कुछ सवाल पूछे। 26 साल का पेटेंट क्लर्क आइजेक न्यूटन के आइडिया को चुनौती दे रहा था, और अभी दुनिया का ध्यान इस तरफ नहीं था, लेकिन ज़्यादा वक्त तक ऐसा नहीं रहने वाला था। ये पेटेंट क्लर्क बहुत जल्द दुनिया को अपना लोहा मनवाने वाला था। 1906 में पेटेंट ऑफिस ने आइंस्टाइन का प्रमोशन कर उसे सैलरी में 30% का रेज दिया। इससे आइंस्टाइन, मिलेवा और उनके 2 साल के बेटे हांस एल्बर्ट के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी तय हो गई। 1907 में आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी। शुरू में ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, लेकिन 1 साल बाद आइंस्टाइन को ये नौकरी मिल गई। 1909 आते तक आइंस्टाइन को ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के फुल टाइम जॉब ऑफर की गई, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। अब वो पेटेंट ऑफिस की नौकरी छोड़ पूरे वक्त फिजिक्स की दुनिया में खोया रह सकता था। ये हम सब के लिए निर्णायक पल था। अपने अजीबोगरीब बाल और छोटी पैंट के साथ आइंस्टाइन जब ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में आता तो लोग उसे अक्सर अपने ख्यालों में घूम पाते। उसके लेक्चर क्लासेस यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर थे। अपनी क्लासेस में अक्सर आइंस्टाइन स्टूडेंट्स को ये हिदायत देता, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल आए तो उसे पूछने के लिए लेक्चर बीच में ही रोक देना। 1910 में आइंस्टाइन के दूसरे बेटे एडवर्ड का जन्म हुआ, और इसके कुछ समय बाद प्राग यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर की नौकरी के लिए मैक्स प्लैंक से आइंस्टाइन के बारे में पूछा। प्लैंक ने जवाब दिया, अगर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है तो वो आदमी हमारे वक्त का कोपरनिकस है। आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में पढ़ाने लगा, और प्राग के इसी शहर में 1911 में उसकी मुलाकात 28 साल के फ्रांस काफ्का से हुई। दोनों अक्सर कॉफ़ी शॉप में अपने ख्याल एक दूसरे से साझा करते। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, 20वीं सदी के 2 सबसे खूबसूरत दिमाग किस तरह की खूबसूरत कल्पनाएं अपनी बातों में संजोकर दुनिया को देखने की कोशिश करते होंगे। इसी साल आइंस्टाइन को ब्रसेल्स बेल्जियम में पहले साल्विक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका मिला। यहाँ मैक्स प्लैंक जैसे जाने माने वैज्ञानिक जुटे थे, लेकिन इन सारे वैज्ञानिकों में सिर्फ एक औरत थी, और इस औरत से आइंस्टाइन की दोस्ती हमेशा बनी रही। इस महान साइंटिस्ट का नाम था मैरी क्यूरी।
16 महीने प्राग यूनिवर्सिटी में बिताने के बाद आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में वापस पढ़ाने चला गया। लेकिन आइंस्टाइन के जीवन की इन सारी घटनाओं के बीच उसका दिमाग विज्ञान के जगत में एक और तहलका करने को बेकरार था। आइंस्टाइन कुछ सोच रहा था। आइंस्टाइन हमेशा से मोशन, गति को समझने की कोशिश करता, जहां से वो स्पीड को एक्सपीरियंस कर सके, और यहीं से आइंस्टाइन के दिमाग ने फिर थॉट एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इस बार उसने स्टेशन की बेंच पर बैठे एक आदमी को इमेजिन किया जिसने लाल टोपी पहनी है। सामने से एक ट्रेन तेजी से गुजरी। ट्रेन में एक दूसरा आदमी बैठा है जिसने हरी टोपी पहनी है। ट्रेन की खिड़कियां कांच की है, इसलिए बेंच पर बैठा लाल टोपी वाला आदमी ट्रेन के अंदर बैठे हरे टोपी वाले को ठीक से देख सकता है। ट्रेन चल रही है, लेकिन क्या वो हरी टोपी वाला आदमी भी चल रहा है? न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन तो कहते हैं कि वो एट रेस्ट है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर बैठा लाल टोपी वाला आदमी तो ट्रेन के साथ हरी टोपी वाले आदमी को मूव करते देख रहा है। अब आइंस्टाइन ने फिर सोचना शुरू किया। ट्रेन फिर से लाल टोपी वाले आदमी के सामने से गुजरी। इस बार ट्रेन में बैठे हरी टोपी वाले आदमी ने एक गेंद उछाली जो सीधी ऊपर गई और सीधी नीचे आई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल टोपी वाले आदमी के लिए गेंद सीधे ऊपर नीचे नहीं आई। उसने देखा हरी टोपी वाले ने गेंद ऊपर उछाली, गेंद ने एक आर्क बनाया, और जब तक वो नीचे पहुंचती तब तक हरी टोपी वाला आदमी ठीक गेंद के नीचे ट्रेन की मूवमेंट के साथ पहुंच गया। ये कैसी अजीबोगरीब बात है? क्या एक ही घटना दो अलग अलग देखने वालों के लिए अलग अलग हो सकती है? आइंस्टाइन का इस बारे में कहना है, बिल्कुल हो सकती है, और ये इस बात पर निर्भर करता है आप किस स्पीड पर मूव कर रहे हैं जब उस घटना को देख रहे हो। आइंस्टाइन ने फिर एक विचार करना शुरू किया। अब इमेजिन कीजिए, ट्रेन में एक घड़ी है और एक लड़की ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन को जाते देख रही है। ट्रेन में बैठे लोगों के लिए घड़ी की सुई जब एक सेकंड दिखा रही है, तो प्लेटफॉर्म में खड़ी लड़की के लिए एक सेकंड से थोड़ा ज्यादा। हालांकि ये टाइम डिफरेंस बेहद कम है और आज इसे हम सुपर सेंसिटिव घड़ियों की मदद से नाप सकते हैं। इसका मतलब है ट्रेन में बैठे लोग और प्लेटफॉर्म में खड़ी लड़की के लिए टाइम अलग अलग बीत रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? आइंस्टाइन का कहना है कि हर मोशन रिलेटिव, सापेक्ष होता है। ट्रेन का मोशन प्लेटफॉर्म के रिलेटिव है। एक बहुत तेज गति से उड़ते हुए रॉकेट में बैठे व्यक्ति के लिए और अपने घर के ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए समय अलग अलग बीत रहा है। ये बात बेहद सरप्राइजिंग लगती है। आइंस्टाइन के करिश्माई दिमाग ने नई सोच दुनिया के सामने रख दी थी। स्पेस और टाइम आपस में गुथे हुए हैं और एनर्जी और मैटर एक ही हैं, लेकिन असल चुनौती अभी बाकी थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ वहीं अप्लाई की जा सकती है जहां ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया जाए। अगर ग्रेविटी इंटेंस है तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत जवाब देने लगती है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसी थ्योरी की तलाश में था जो ग्रेविटी को भी डिफाइन करती हो, और ये उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट होने वाला था और शायद मॉडर्न फिजिक्स की सबसे शानदार थ्योरी। ग्रेविटी एक शानदार लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है भारी, और इसी भार के रूप में न्यूटन की लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ग्रेविटी को डिफाइन करती है। 20वीं सदी के शुरुआत में न्यूटन की ये थ्योरी विज्ञान के जगत में बेहद खास मानी जाती थी। न्यूटन के सर पर सेब गिरने की कहानी सबको पता थी, और ये बात भी कि ग्रेविटी एक फोर्स है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के वक्त इस पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था, कोई नहीं सिवाय एल्बर्ट आइंस्टाइन के। न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो तुरंत काम करती है, लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो कहती है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकती,
और इसी बात ने आइंस्टाइन को न्यूटन के द्वारा समझाई गई ग्रेविटी पर शक करने पर मजबूर कर दिया। एरिस्टोटल को गलत साबित करते हुए गैलीलियो ने दिखाया था कि हल्के या भारी ऑब्जेक्ट अगर एक साथ गिराए जाएं तो वो एक ही गति से गिरेंगे, लेकिन ग्रेविटी अगर फोर्स है तो भारी ऑब्जेक्ट को हल्के ऑब्जेक्ट के मुकाबले तेजी से गिरना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? और इसका जवाब न तो गैलीलियो के पास था न न्यूटन के पास। आइंस्टाइन ने इसका जवाब देने की ठानी। आइंस्टाइन को लगा कि अगर रिलेटिविटी की समझ को ग्रेविटी तक बढ़ाना है तो शायद इसकी कुंजी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो सकती है। इस पहेली का जवाब पाने आइंस्टाइन का दिमाग पहले ज्यूरिक, फिर प्राग, फिर वापस ज्यूरिक में भी मेहनत करता रहा। जवाब पाने के लिए आइंस्टाइन ने जिद पकड़ ली थी। साल 1907 में ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्सिलरेशन को समझने के अपने संघर्ष के दौरान आइंस्टाइन को एक विचार ने जकड़ लिया। आइंस्टाइन ने इसे बाद में नाम दिया मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत ख्याल। ये विचार आइंस्टाइन को एक ऐसे व्यक्ति से बात करते आया जो कि अपनी छत से नीचे कूड़ेदान में गिर गया था। खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं लगी और उसने जो आइंस्टाइन को बताया वो पूरे मानव इतिहास का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसके अनुसार जब वो गिरा तो उसे वेटलेस फ्री फॉल यानी गिरते वक्त भारहीनता का एहसास हुआ। आइंस्टाइन को लगा कि अगर न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी सही है तो इस आदमी को भारहीनता का एहसास नहीं बल्कि पृथ्वी की तरफ एक तेज खिंचाव का एहसास होना चाहिए। तो फिर इसके ठीक उलट इसे वेटलेसनेस का एहसास कैसे हुआ? आइंस्टाइन ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति के लिए शायद फ्री फॉल के वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड होती ही नहीं है और शायद इसीलिए उसे भारहीनता वेटलेसनेस का एहसास होता है। आज हम सब स्पेसशिप में वेटलेसनेस के फेनोमेना को जानते हैं। आइंस्टाइन को लगा कि फ्री फॉल में वेटलेसनेस के एहसास को एक्सिलरेशन की मदद से समझा जा सकता है, लेकिन ये हो कैसे? और बहुत जल्द इसका जवाब अनजाने में ही आइंस्टाइन के दिमाग में आने वाला था। साल 1913 की गर्मियों में आइंस्टाइन और उसका परिवार मैरी क्यूरी के परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आल्प्स के पहाड़ों में पहुंचा, लेकिन यहां भी आइंस्टाइन का दिमाग ग्रेविटी को समझने के लिए अलग अलग थॉट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। इन्हीं आल्प्स के पहाड़ों में आइंस्टाइन अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट करने में लगा था। चलिए फिर से आइंस्टाइन के दिमाग में चलते हैं। यहां फिर से बेहद ज्यादा न्यूरॉन्स जगमगा रहे हैं क्योंकि आइंस्टाइन जबरदस्त विचारों में खोकर थॉट एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। उधर देखिए, उस कोने में हो रहा है आइंस्टाइन का सबसे प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट। एक आदमी एलिवेटर में खड़ा हुआ है, उसकी जेब से चाबियां उसके पैर के पास गिरी। ये है ग्रेविटी। अगर एलिवेटर के तारों को काट दिया जाए तो एलिवेटर तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगेगा। अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से खड़ा होकर इस पूरी घटना को साफ साफ देख पा रहा हो तो उसे दिखेगा वो आदमी और उसकी चाबियां वेटलेसनेस का एहसास करते हुए हवा में तैर रहे हैं। ऐसे आदमी को अपने गिरने का एहसास नहीं होगा बल्कि तैरने का एहसास होगा, और ऐसे एलिवेटर और आदमी के लिए उस वक्त ग्रेविटी होगी ही नहीं। रुकिए, याद दिला दूं, हम अभी भी आइंस्टाइन के दिमाग में हैं। चलिए फिर से वापस आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। अगर इस एलिवेटर के नीचे एक रॉकेट लगाकर इसे स्पेस में भेजा जाए तो एलिवेटर में मौजूद वो आदमी और उसकी चाबियां जमीन की तरफ गिर जाएंगी, यानी रॉकेट का एक्सिलरेशन ग्रेविटी जैसा इफेक्ट पैदा कर देगा। आइंस्टाइन ने निष्कर्ष निकाला कि पूरी घटना बाहर से देखने वाले के लिए और एलिवेटर में बैठे उस आदमी के लिए अलग अलग होगी, यानी
अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिक्स में अब इन पॉइंट्स ऑफ व्यूज को फ्रेम्स कहा जाता है। गिरता हुआ एलिवेटर स्पेस टाइम के एक छोटे से हिस्से में ही एग्जिस्ट कर सकता है, जिसे फिजिक्स की भाषा में लोकल फ्रेम्स कहा जाता है। स्पेशल रिलेटिविटी हर लोकल फ्रेम में काम नहीं करती, वो कुछ खास तरह के फ्रेम्स में ही काम करती है, जिसे लोकल इनर्शियल फ्रेम्स कहा जाता है। सरल भाषा में ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को फिजिक्स के आसान नियमों से समझा जा सकता है, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लग रहा हो। जैसे अगर आप एक स्पेसशिप में हैं और आपने एक गेंद फेंकी, तो आप देखेंगे कि वो एक सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, क्योंकि स्पेस में उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यानी ऑब्जेक्ट पर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन अप्लाई हो रहे हैं। ऐसे में स्पेसशिप खुद ही एक लोकल इनर्शियल फ्रेम है। ये सारे निष्कर्ष आइंस्टाइन को ग्रेविटी की एक नई थ्योरी की तरफ ले जा रहे थे। उसने इसे नाम दिया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ ऐसे विचारों पर खड़ी थी जो दरअसल यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। आइए जानते हैं हम कि वो विचार क्या है। पहला, एक फ्री फॉल में गिरते हुए बंद डब्बे में मौजूद आदमी ये नहीं बता सकता कि वो अर्थ में है या स्पेस में। दूसरा, इनर्शियल फ्रेम हमेशा मौजूद रहेगा और ऐसे ही इनर्शियल फ्रेम में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई की जा सकती है। तीसरा, यूनिवर्स को छोटे छोटे लोकल इनर्शियल फ्रेम के सीरीज के रूप में इमेजिन कीजिए, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिवर्स में हर जगह काम कर सकती है। दरअसल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्हीं छोटी छोटी लोकल इनर्शियल फ्रेम को पैचेस के रूप में आपस में सिले हुए चादर जैसा समझती है, जो कि पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। चौथा, न्यूटन की थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को सुधारने की जरूरत है। हर फ्री पार्टिकल सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड पर लोकल इनर्शियल फ्रेम में ट्रेवल कर रहा है, जो आपस में जुड़कर पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। आइंस्टाइन के लोकल फ्रेम्स के यूनिवर्सल पैच वर्क के आइडिया ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बदल दिया। आइंस्टाइन का ये विचार शायद यूनिवर्स की समझ के बारे में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला था। 1905 से आइंस्टाइन ने तकरीबन 10 साल अपनी नई थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम किया था। वो जानता था कि इस तरह के बिखरे हुए विचार काफी नहीं होंगे, उसे इन सब को मैथ्स की मदद से एक थ्योरी में बदलना होगा। इसमें आइंस्टाइन की मदद उसके दोस्त मार्सेल ग्रॉसमैन ने की, जो कि खुद ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में मैथ्स का प्रोफेसर था। ये इतिहास का वो वक्त था जब जर्मन नेशनलिज्म तूफान पर था और जर्मनी के आर्टिस्ट, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट जर्मनी को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते थे। जर्मन राष्ट्रवाद की इस भावना को मन में लिए हुए दो वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक और वाल्थर नर्नस्ट आइंस्टाइन के पास ज्यूरिख पहुंचे और उसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में पढ़ाने का निमंत्रण दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। 1915 तक आइंस्टाइन स्पेस टाइम को छोटे छोटे फ्रेम से बने एक चादर के रूप में देख रहा था, जिसमें फोटॉन्स और दूसरे पार्टिकल्स सीधी लकीर में यात्रा करते हैं। लेकिन इस पूरे विचार में ग्रेविटी को कैसे डिफाइन किया जाए? आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी और कुछ नहीं बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। इसे ऐसे समझिए, एक बड़ी सी रबर की शीट लेकर दो लोग खड़े हैं, जिसे ट्रैम्पोलिन की तरह खींचा गया है। अगर इसमें एक भारी गेंद डाल दी जाए तो शीट में वो गेंद एक कर्व बना देगी। गेंद के नजदीक ये कर्व गहरा होगा और जैसे जैसे गेंद से दूरी बढ़ेगी, कर्व की गहराई भी कम होती जाएगी।
आइंस्टाइन के अनुसार जैसे स्पेस में खिंचाव होगा वैसे ही टाइम में भी खिंचाव होगा, और कुछ इस तरह ये फैब्रिक फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम जैसी होगी। यहां ये बात याद रखिए, स्पेस टाइम कोई रबर की शीट नहीं बल्कि फोर डायमेंशनल मॉडल है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम है। रबर की शीट में एक भारी गेंद डालिए, वो गेंद एक गहरा कर्व बनाएगी। अब हल्की छोटी गेंद डालिए तो वो उस भारी गेंद की तरफ खिंचने लगेगी। ग्रेविटी और कुछ नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का ऐसे कर्व्ड स्पेस में मूव करने का परिणाम है। आइंस्टाइन को पूरा विश्वास हो चुका था कि बाकी फिजिकल लॉस की तरह ग्रेविटी भी यूनिवर्स के हर चीज पर अप्लाई होती है, यहां तक कि लाइट पर भी। अगर मास और एनर्जी एक ही है तो मैटर या एनर्जी का कोई भी फॉर्म अगर स्पेस टाइम के ऐसे कर्व से गुजरेगा तो वो भी बेंड हो जाएगा। इसका सीधा मतलब था कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में लाइट को भी बेंड कर सकते हैं। आइंस्टाइन के इक्वेशंस भी इस थ्योरी को कंफर्म कर रहे थे कि लाइट भी कर्व्ड स्पेस में बेंड हो सकती है, लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए, और आइंस्टाइन को लगा ये सिर्फ सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स के वक्त ही किया जा सकता है। आमतौर पर सनरेज इतनी तेज होती हैं कि उनके पीछे के स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन सोलर एक्लिप्स के दौरान जब मून सन को पूरा ढक लेता है तो फिर इस थ्योरी के हिसाब से सन के मास से लाइट बेंड हो रही है और ऐसे में उन्हें देखा जा सकता है। और एक सोलर एक्लिप्स 21 अगस्त 1914 को होने वाला था जो कि पूरी तरह से दिखाई देता रशिया के साइबेरिया से, और आइंस्टाइन के लिए यही सबसे अच्छा मौका था अपनी नई थ्योरी को टेस्ट करने का। लेकिन 1 अगस्त के दिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते जर्मनी ने रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, और इस सोलर एक्लिप्स से अपनी थ्योरी को सही साबित करने का मौका आइंस्टाइन के पास से जाता रहा। 29 मई 1919 के दिन एक और सोलर एक्लिप्स की संभावना को मौके के रूप में देख आर्थर एडिंगटन नाम के ब्रिटिश साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन की थ्योरी को टेस्ट करने की ठानी, और ब्रिटेन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की तरफ से एस्ट्रोनॉमर्स का एक दल कंप्लीट सोलर एक्लिप्स की दो जगह के लिए रवाना हुआ, पहला नॉर्थ ब्राजील और दूसरा वेस्ट अफ्रीका। दोनों जगह से कंप्लीट सोलर एक्लिप्स की 13 फोटोज ली गई, और 6 नवंबर के दिन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने इन्हीं फोटोज के नतीजों के जरिए यह साबित कर दिया कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ठीक तरह से ग्रेविटी को समझने में कामयाब है। न्यूटन के आइडियाज पर अब आइंस्टाइन के आइडियाज की जीत हो चुकी थी। यूनिवर्स को समझने के लिए इंसानियत को एक ऐसी नई थ्योरी हासिल हो चुकी थी जो कि सारी पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर विज्ञान के जगत को ही बदल देने वाली थी। लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ ऐसे रहस्यमय दरवाजे खोलने वाली थी जिनके पीछे विज्ञान की दुनिया यूनिवर्स के राज जानने के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। ज्ञान का एक खजाना अब इंसानियत के हाथ लगने को ही था। लेकिन अभी इस कहानी में बहुत उतार चढ़ाव आने बाकी हैं, अभी इंसानी दिमाग को कई पहेलियां सुलझानी हैं। इस कहानी के साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है विज्ञान कथा में।